तुम्हारे बस की बात नहीं है, स्वाद लगती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर का किचन, और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने बनाया है मसाला चीज़ कॉर्न। आप इसे मसाला चीज़ भुट्टा भी बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर में कॉर्न जो मैंने यूज़ की है वो है यप स्वीट कॉर्न। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा स्वीट कॉर्न होती है। ठीक है, ये एक ऐसी नस्ल होती है कॉर्न की जो हमारी जो देसी वाली कॉर्न जो होती है ना, उससे थोड़ी सी अलग होती है, मीठी होती है टेस्ट में, इसके अंदर में दूध भी ज़्यादा निकलता है। ये देखिए, ऐसे करके आप इसे दबाओगे, ठीक है, इसमें भी आपका अच्छे से चला जाएगा फोक, और दूसरी देसी वाली जो कॉर्न है उसमें भी आपका फोक अच्छे से चला जाएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको पूछना पड़ेगा, मकई आप जिससे भी खरीदते हो वो बोले भैया से आपको पूछना होगा कि मुझे स्वीट कॉर्न चाहिए। वैसे आप नॉर्मल वाली कॉर्न से भी इसे बना सकते हो, मेरे पास में दो है। अब मैंने इसके अंदर में जी अपने मिक्सर के जार में दो पीस मीडियम साइज़ के अनियन डाले हैं। अब इसके अंदर में आप या तो चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हो, पिज़्ज़ा वाला चीज़ भी डाल सकते हो, या चीज़ का स्प्रेड भी डाल सकते हो। मैं आज इसके अंदर में चीज़ का स्प्रेड डालूँगा थोड़ा सा, और हाँ, चीज़ इसके अंदर में ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ वाली खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर में चीज़ मत डालें, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, क्योंकि ये जो रेसिपी है नॉर्मल मसाला वाली भी अच्छी लगती है। वैसे ये नॉर्मल मसाला वाली ही रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर में चीज़ मैंने ऐड करके फ्यूज़न किया है। अब इसके अंदर में जी भुना हुआ जीरा जाएगा लगभग हाफ़ टी स्पून, ये जो छोटा सा चम्मच है ये हाफ़ टी स्पून है। अब इसके अंदर में थोड़ा सा जीरा जाएगा, पहले भुने हुए जीरे का पाउडर गया, अब थोड़ा सा कच्चा जीरा गया, अब थोड़ा सा इसके अंदर में सॉल्ट भी जाएगा। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको ज़्यादा सॉल्टी चाहिए कम सॉल्टी। अब ब्लैक पेपर भी इसके अंदर में मैं डाल देता हूँ, थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून ही है। अब थोड़ा सा इसके अंदर में बटर जाएगा, अब ये जो बटर है आप घी भी इसके अंदर में डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर में बटर डाला है, ये जो बटर है ये है गार्लिक एंड हर्ब वाला बटर। आपका मन नहीं है ये वाला, नॉर्मल वाला बटर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे हमने पीस देना है जी, आराम से ये पीसा जाएगा। मिक्सर फिर कुछ लोग पूछते हैं कौन से लिए यूज़ कर रहे हो, सुजाता ब्रांड की मिक्सर है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए जी, पीसने के बाद में इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, सॉस टाइप की बन जाती है, डिप टाइप की बन जाती है। अब इसके साथ में हमने अपनी कॉर्न को बनाना है। सबसे पहले तो इसे एक बाउल में निकाल लें। अब अपनी कॉर्न को हमने लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर में भूनना है। अगर तो स्वीट कॉर्न है तो वो बड़े बड़े उसके दाने होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, तो उसे तो लो फ्लेम पर ही आपने भूनना है। अगर आपके पास में देसी कॉर्न है तो उसे आप मीडियम फ्लेम पे भून सकते हो। अच्छे से अंदर तक हमने पकानी है, ये बाहर से हमने काली नहीं करनी है सिर्फ, अभी बाहर से भी काली करेंगे वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में अच्छे से हमने अपनी कॉर्न को पका लिया है लो फ्लेम के ऊपर में, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से पक जाती है। अब उसके बाद में इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ चार हिस्सों में, क्योंकि ये मैं चार लोगों के लिए बना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ये देखिए जी, अच्छे से इसकी आपने कटिंग अप कर ली है। अब इसके अंदर में मैंने टूथपिक डाल दी है। अब ये जो टूथपिक है ये बड़े साइज़ वाली टूथपिक है, इसको आपने पानी में सोख करके रख लेना है एक दो घंटे, उसके बाद में इसके अंदर में आपने डालनी है। अब अपनी सॉस को इसके ऊपर में लगा देते हैं, वो जो सॉस हमने जो बनाई है चीज़ मसाला, वो इसके ऊपर में हमने अच्छे से लगा देना है, फटाफट से हो जाता है, ब्रश के साथ में लगाएं अच्छे से लग जाएगा। अब उसके बाद मैं हाई फ्लेम करके या मीडियम फ्लेम करके आप इसे भून लें, ठीक है। ये जो मसाला है ऊपर वाला अच्छे से भूना जाता है, खाने में टेस्टी रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसके अंदर में बटर भी है, चीज़ भी है, अंदर तक एकदम चला जाता है वो, और आपको खाने में फ़्लेवर अच्छा आता है। और ये देखने में ना थोड़ी सी स्मोकी टाइप की लगती है, क्योंकि ब्लैक हो जाती है ना, तो फिर देखने में स्मोकी लगती है। अब ये देखिए, चीज़ हमारा जहाँ जहाँ पे अच्छे से पका है वो वाली चीज़ हमारी थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, दैट्स इट, खाने में मजा आएगा। हाँ जी, क्या लगा हुआ है उसके ऊपर मसाला, और लगाएगी, कटोरे में बचा हुआ ला दूँ एज अ डिप, खा लेना। अच्छा, तेरे को स्वीट कॉर्न वाली मिल गई, नहीं मंगाई तो स्वीट कॉर्न ही थी, पता नहीं इन्होंने अलग अलग क्यों भेज दिया, अभी अभी कंप्लेन डालूंगा। स्वाद है आया?
स्वाद है, मर्च हैगी है देच, आरव खा सकता है, खवा दे फिर इनू, ए तो मेरी है मम्मी विचो खा मैं लिया। तुम सारी खाओगी नहीं खाओगे? पता नहीं है ना। मिर्च तो मैं ज्यादा पाई सी गी, काट के मैं गई। लेकिन कुछ डिफरेंट टेस्ट आंदा होना। पर बचपन ची खे ना, पापा कोले दे नहीं बनाने सी ना, प्याज का मसाला होंगे देसी घ्यो प्याज का, ए है थोड़ा फ्यूजन किया गार्लिक बटर नाल। स्वाद है? ठीक है। पगला। लोल। बाय। बाय।